सो हे गाइस, दिस इज ब्रिजेश पासी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं बता दूं कि इस वीडियो में आप लोगों को मैं जानकारी जो देने वाला हूं वो रिलेटेड है अबाउट द दुबई कंट्री। कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है जो आप लोगों को यहां पे मैं प्रोवाइड करना चाहता हूं और डीपली जानकारी इस विषय में देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि गाइज ये वीडियो मेक करते हैं अबाउट दुबई की। यार बहुत टफ होता है सर्वाइव करना यहाँ पे, बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है यार। बहुत सिंपल सा फंडा है, आप इंडिया से आए तो आपको तकरीबन 30 दिन का वीज़ा मिलता है, 3 महीने का वीज़ा मिलता है, 90 दिन का आप लेके आए। इवन कंपनी से डायरेक्ट टाइप हुआ तो वर्क परमिट पे 2 ईयर्स के 1 ईयर के आप यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। सो ऐसे बहुत से माध्यम है यहाँ आने के लिए, बहुत सिंपल वे होता है यहाँ आने का। कोई भी उठ के यहाँ चले आ रहा है, क्यों, क्या रीज़न है इस कंट्री का, क्योंकि इस कंट्री के जो सिटीज़न है वो टोटल 15% है। 85% यहाँ पे जो रहवासी हैं वो किसी अदर कंट्रीज से आए हैं, ज़्यादातर हमारे कंट्री के लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, और यहाँ पे बांग्लादेशी हैं। ऐसे लोग यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को मिल जाएंगे, इवन नेपाली हैं, फिलीपींस के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। मुझे तो लगता है कि अगर ऐसी कैंडिडेट की लिस्ट निकाले कितने परसेंट लोग किस कंट्री से रहते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फिलीपींस का नाम आएगा इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे मैं यहाँ पे फिलीपींस देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फिलीपींस यहाँ पे रहते हैं, और उसके बाद किसी का नाम आएगा तो इंडियंस का आ सकता है मे बी। सो आगे बढ़ते हुए मैं बता दूं कि ऐसे बहुत से कैंडिडेट, अभी फ़िलहाल जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ बहुत पॉश एरिया है दुबई का, यहाँ पे हर एरिया ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। तो बात करते हैं यहाँ की वैकेंसी की, क्योंकि बहुत लोग हैं जो वैकेंसी के ऊपर ही चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और जानकारी पाना चाहते हैं कि सर दुबई में जॉब पाना आसान है क्या, दुबई में मेरे लायक जॉब हो सकती है क्या। तो आप लोगों को मैं सिंपल सा है इस वीडियो के थ्रू एक ही जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा कि अगर दुबई में आप लोगों को वैकेंसी चाहिए तो यहाँ पे वैकेंसियों का भरमार है। बहुत सारी ऐसी वैकेंसियाँ हैं जो आपको यहाँ पे मिल सकती है, आपके कैटेगरी की भी वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। बस सिंपल है कि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आप स्वयं आते हो यहाँ पे कंपनी टू कंपनी जाके अप्लाई करते हो तो बहुत ही कम कीमत पे आप लोगों को यहाँ पे वैकेंसी मिल जाती है, लेकिन मसला ये पड़ता है कि आप आओगे यहाँ पे तो रहोगे कहाँ पे, खाओगे कैसे और यहाँ पे सरवाइव कैसे करोगे। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़े से एजेंट की तरफ रुख मोड़ देती है कि यार हमें रहना है वहाँ पे और खाना पीना है तो सरवाइव करना है हर एक चीज़ के लिए, तो हमें वहाँ पे एजेंट का सहारा लेना पड़ जाता। तो मेरे तरफ से एक इन्फॉर्मेशन है कि आप लोगों को ये सहूलियत देने के लिए मैं कैपेबल हूँ, आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ। इवन आप वीज़ा मांगेंगे वीज़ा मिल जाएगा, जो भी आपको चाहिए टिकट मिल जाएगा, और रहने की सुविधा मैं आप लोगों को यहाँ बता दूंगा। इसका टोटल ओवरऑल कॉस्ट अगर मैं बताऊँ तो बहुत ही कम कीमत पे तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये में ये सारी सुविधाएं पर मंथ आप लोगों को अवेलेबल करवा सकता हूं मैं पूरे महीने के लिए 50,000 रुपीज़ में आप लोगों को यहां पे अवेलेबल करा सकता हूं। अगर विथ जॉब आप लोग लोगे तो आप लोगों को पता है कि 86,000 रुपीज़ पड़ जाता है, और 50,000 में आप लोगों को रहना खाना पीना पूरे महीने का, और यहाँ पे वीज़ा और टिकट दोनों प्रोवाइड करूँगा। रिटर्न टिकट आपको अपनी तरफ से करना होगा, क्योंकि महीना आप लोगों का जब फिनिश होता है और आप लोगों का वीज़ा ख़त्म होता है उससे पहले आप लोगों को इंडिया लौट जाना है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे आओगे आपको कंपनी की लिस्ट मिल जाएगी कि आपसे रिलेटेड वैकेंसी इस कंपनी और इस जगह पे अवेलेबल है, आप जब जाइए और वहाँ पे इंटरव्यू फेस करिए। तो आप लोगों को बस वहाँ पे जाना है, वो भी याद रखिए आप जो ट्रैवल करोगे आप अपने खर्चे पे ट्रैवल करोगे। और सबसे ख़ास बात इस कंट्री की मैं बता दूँ तो यहाँ पे जो खाना पीना और रहना तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है यहाँ पर, लेकिन खाना मैं बता दूँ कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आसान है। इवन इंडिया में भी इससे ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा आप लोगों को, इंडिया से भी महंगा है मैंने क्योंकि यहाँ पे रियलाइज़ किया है। बहुत कम कीमत पे आप लोगों को यहाँ पे फूड अरेंजमेंट आराम से हो जाता है गाइस, तो खाने का कोई यहाँ पे टेंशन नहीं है। रहने का थोड़ा मसला है, लेकिन अकोमोडेशन ग्रुप का रहता है तो उसमें भी आप लोगों को कन्वीनियंट पड़ जाता है, और उसका चार्जेस तो आप ओवरऑल पे ही कर रहे हो, खाना पीना रहने का सब चार्जेस पे कर रहे हो। तो ये सुविधाएँ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ फॉर द
वन मंथ और थ्री मंथ जैसा भी है, फॉर वन मंथ मैंने कॉस्ट बता दिया है। थ्री मंथ अगर आप लेने जाते हो तो आप लोगों को तकरीबन वहाँ पे 60,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। 10,000 आप लोगों का सीधे सीधे इंक्रीज़ कर जाता है, 10 to even 15,000 भी इंक्रीज़ कर सकता है। और इसके अंदर खाना आप लोगों को खाली वन मंथ रहेगा, और थ्री मंथ आप रहते हो तो उसका सेपरेट आपको हर मंथ पे करना पड़ेगा। तो दैट्स योर चॉइस गाइस कि आप लोग क्या चूज़ करना चाहते हो, और जैसा भी रहेगा आप लोग पूरी डिटेल्स मुझसे ले सकते हैं या बता सकते हैं। कमेंट के थ्रू आप लोग मैसेज करिए मुझे, और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर दे रहा हूँ 9029326182। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर इस नंबर पे आप जवाब नहीं देते हैं। यार मैंने बहुत लोगों का रिप्लाई दिया, और आजकल थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से नियर अबाउट मैं हफ्ते हफ्ते में एक बार ही मोबाइल को ओपन करके लोगों को रिप्लाई देने में सक्षम हो पा रहा हूँ। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन जैसे ही मैं मोबाइल ओपन करूँगा और सभी लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पे रिप्लाई आपसे रिलेटेड ज़रूर मिलेगा। सो गाइज दैट्स इट, खाना यहाँ पे अच्छा है, और जॉब बता दूँ जॉब के लिए ही ये कंट्री बनी हुई है। यहाँ के राजा जो हैं इस कंट्री को जॉब के लिए ही बनाया, उन्होंने बिजनेस पर्पस के लिए बनाया। वो ज़मीन पे बिल्डिंग खड़ा करके और ब्रांड्स लोगों को बेच देते हैं, बिजनेसमैन आते हैं वो ज़मीन और लैंड पूरा खरीद के अपना तरीके से वहाँ पे अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं और लोगों को हायर करते हैं। और यहाँ की जो 15% पॉपुलेशन है, यहाँ की जो 15% सिटीज़न हैं, वो खुद अमेरिका लंदन जैसे शहरों में जाके रहते हैं। तो बहुत से कम लोग ही हैं जो यहाँ के सिटीजन यहाँ पे रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट इतना गंदा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ पे नहीं रह सकता ज़्यादा टाइम, मैं खुद भी यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। और वैसे भी मेरी जॉब करने की हैबिट नहीं, अगर मैं जॉब करने के लिए कोई कंट्री चूज़ करता तो ऑब्वियसली है कि मैं दुबई नहीं चूज़ करता, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट बिल्कुल अलग सा है। और दिन में लोग ऑलमोस्ट सोते हैं और रात में लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो पूरी रात ये दुबई चालू रहती है, और दिन में लोग आराम करते हैं, क्योंकि दिन में आप घर से बाहर निकलोगे तो टेम्परेचर इतना हाईफाई होता है कि बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को बर्न करता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, कुछ टाइम तक आप धूप में रह ही नहीं सकते हो, इतना ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर रहता है। सो मेरे तरफ से बस सिंपल सजेशन है कि आप लोग को, जिन लोग को जॉब की नीड है, वो लोग यहाँ पे आएँ और आप लोगों को आसानी से जॉब मिल जाएगा। और सुविधाएँ जो है मिसलेनियस है, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि जो सुविधाएं आप लोगों को चाहिए रहेगी वो सुविधाएं मैं प्रोवाइड करने में सक्षम हूँ। उसका कॉस्ट आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू मैं बता दूंगा। अगर आप लोग पे करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे विथ वीज़ा टिकट मैं प्रोवाइड करके यहाँ पे बुलवा सकता हूँ, और सारी सुविधाएं अवेलेबल करा के एक लिस्ट भी अवेलेबल कर देंगे कि आपसे रिलेटेड वैकेंसी किस कंपनी में मिलेगी। आप जाइए पूरे महीने इंटरव्यू दीजिए, आपका गुड लक, आपका नसीब, आपका कैपेबिलिटी, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो दैट्स योर चॉइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय बाय।